यमुनानगर में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। यमुनानगर में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी, किसान, मजदूर व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सभी कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि आज किसानों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। आज अन्नदाता सड़कों पर है और सरकार अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, इसलिए आज सभी कर्मचारी किसानों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण शहर में एक विरोध यात्रा भी निकाली गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरे देश के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। यमुनानगर में भी हम यहां पर इंटक, एटक, सीटू, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ और बहुत से जन संगठन इसमें हड़ताल में शामिल हैं। ये हड़ताल वास्तव में जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ उन नीतियों के विरोध में है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में जो मौजूदा है, इन्होंने वायदे किए थे, रोजगार का वायदा किया था, ये जो महंगाई रोकने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार रोकने का वायदा किया था, इन्होंने कहा था कि ये जो बेरोजगारी है इसको हम दूर करेंगे। नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं ये, वो शिक्षा नीति किसके लिए? तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो पहली टर्म थे, पहली टर्म में लोगों ने कुछ उम्मीद जची थी कि कुछ करेंगे, और अब दूसरी टर्म में भी जो इन्होंने वायदे किए थे, वास्तव में इनके सारे वायदे जो थे वो जुमले साबित हुए हैं। अभी इन्होंने जो भी नीतियां लागू की हैं, पहली नोटबंदी से लेकर GST से लेकर जो और भी जो इन्होंने नीतियाँ लेके आए हैं, वो सारे की सारी देश विरोधी, जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। और किसानों का जो आंदोलन है, किसानों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, हम किसानों की हड़ताल का समर्थन करते हैं और इसके साथ शामिल।